हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोमैड वीके विनय दुरिया। आज ले चलते बेहतरीन रोमांचक सफर पे जिसका कोई एंड ही नहीं होने वाला, बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पे। रोहतांग जाने के लिए बेहद कुछ खास कपड़ों का इंतजाम करना पड़ता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में आप दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग वाटर प्रूफ जैकेट रेंट पे ले लिए हैं। रोहतांग के लिए निकल चुके हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडक कुछ ज़्यादा है, इसलिए दिक्कत तो आनी ही है क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं और फैमिली भी है, तो इसलिए सारे ठंड के सारे इक्विपमेंट ले चुके हैं। बस एक घंटे का रास्ता लगभग तय करना है, उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं रोहतांग। फिर आगे देखते हैं। मनाली से रोहतांग 24 किलोमीटर पड़ता है जो कि काफ़ी हाइट पर रहता है और वहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है, इसलिए सबको लेदर जैकेट लेना ही पड़ता है। मनाली की वादियाँ ऐसी हैं कि मन करेगा यहाँ रुक जाइए, बहुत अच्छी लोकेशन है, लेकिन ऐसे लोकेशन मिलते जाएंगे हर जगह आपको। कितनी खूबसूरत सड़कें और बेहतरीन लोकेशन आसपास, सुंदरता का मिसाल। अभी यहाँ से मनाली लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है जो उसकी ऊंचाई 13,049 फीट के आसपास पड़ती है जो कि काफ़ी हाइट है। उस हाइट पे अगर आप थोड़ा सा वर्क करते हैं, पैदल चलते हैं, तो आपको काफ़ी थकान महसूस होगा क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ पे बहुत ही कम है। रोहतांग के रोड पे हैं जो कि रास्ते में पड़ता है गुलाबा, और ये कुछ लोकेशन उस तरह का है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेंगे सेब के बागीचे ही मिलेंगे और लोकेशन तो काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। एक दिन में लगभग आप यहाँ से 1200 गाड़ियाँ पास बनती है, जिस गाड़ी की पास रहेगी वही गाड़ी यहाँ से रोहतांग पास के लिए जा पाएगी, बाकी गाड़ियों को परमिशन नहीं है। जा रहे गाड़ी की तरफ क्योंकि यहाँ पे एक कट टाइम हो गया, 5 मिनट का टाइम मिला था यहाँ पे कि आप जल्दी से वीडियो सेल्फी जो भी करना है कर लो। किस तरह का लोकेशन है, टेम्परेचर लगभग आपका लगभग यहाँ पे 12 डिग्री के आसपास है, तो काफ़ी सुहाना मौसम है। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए हमने जैकेट पहले से ले रखे हैं और हमारी गाड़ी ये है ट्रैवलर। यहाँ आप बाइक अलाउ नहीं है रोहतांग के लिए, आप सिर्फ फोर व्हीलर से जा सकते हैं या फिर टूरिस्ट गाड़ी से जा सकते हैं क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे चीते हैं, सांबर है, गोरिल्ला, बहुत तरह के जानवर हैं, तो इसको ध्यान में देखते हुए आप अलाउ नहीं करेंगे आपको। गुलाबा से 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर ये बेहद ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, कितनी सुंदर घाटी है। इस समय जहाँ पे खड़ा हूँ ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ आप खड़े होकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। रोहतांग जाने के लिए बेहद ही खूबसूरत रास्ते हैं, मानो जैसा मूवी में देखते हैं उस टाइप फील हो रहा है, जितने खूबसूरत हैं और खतरनाक भी हैं क्योंकि दाएं तरफ तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बाएं साइड से अगर आप थोड़ी सी असावधानी होती है तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। Oh,
12 डिग्री के आसपास है बाहर भी। रोहतांग जाते समय रास्ते में दो तरह के पैराशूट पॉइंट मिलते हैं, जो 10,000 की ऊंचाई से उड़ान भरते हैं और एक है 11,500 की ऊंचाई से उड़ान भरते हैं। ये छोटा वाला पॉइंट है। अब इसके आगे सबसे बड़ा वाला पॉइंट मिलेगा, जो ज़्यादातर लोग वहीं से उड़ान भरते हैं, जो काफ़ी ऊंचाई से होता है और उड़ने पे आप बादलों के बीच से होके गुजरते हैं। बहुत ही खूबसूरत उड़ान होती है वहाँ की। बरसात के मौसम में यहाँ हर जगह लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हर जगह सड़क बनते रहते हैं और उखड़ते भी रहते हैं। खासकर बरसात के मौसम में काफ़ी डेंजर होता है यहाँ पे चलना। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हैं, ये यहाँ का पॉइंट है, काफ़ी खतरनाक है। अभी रोहतांग यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। लोकेशन पे हैं। इस समय हम लोग 11,500 फीट की ऊंचाई पे हैं। ये पैराशूट पॉइंट है, यहाँ से जिसको उड़ना होता है वो यहीं से उड़ते हैं और ये सब पायलट लगे हुए हैं। और हमारे ग्रुप के दो लोग हैं जो इसमें जा रहे हैं। यहाँ से एक लोग का 1800 रुपये लगते हैं उड़ान के लिए, जो लगभग 5 मिनट की उड़ान होती है। इसमें उड़ान भरने के बाद आप फिर फील करेंगे कि आप हवाओं में हैं और चिड़िया की तरह उड़ान भरेंगे खुले आसमान में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये लोग बादलों में होके गुजरेंगे और आप देखिए लास्ट में बादलों के अंदर होके गुजरेंगे ये। लगभग 1 घंटे का आनंद उठाने के बाद अपन लोग लास्ट में चल दिया रोहतांग पास के लिए, जो कि अभी काफ़ी ऊपर है। एक रास्ते ऐसे ही हैं ऊबड़ खाबड़, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़कें बर्बाद हो जाया करती हैं और बनती भी रहती हैं। यहाँ सामने बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट आ चुका है, जो यहाँ पे वाइट वाइट आपको ऊपर पहाड़ों पे दिख रहे हैं वो सब स्नो ही है, और जो नीचे वाइट दिख रहे हैं ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये भी स्नो है। पिछले साल की तुलना में इस साल 45 दिन के पहले ही बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा पिघल चुके हैं, ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब आप पहाड़ों पर आएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखता नज़र आएगा आपको। इतना खूबसूरत नज़ारा है, इसका एहसास तब होता है जब आप खुद प्राकृतिक के बीच में ही रहे हैं, तब इन प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा ले सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत जितना बर्फ का टुकड़ा आपको दिख रहा है ये सब ऊपर से गिरे हुए हैं, क्योंकि नीचे के जो बर्फ थे वो पिघल के निकल चुके हैं। और ये जो आप देख सकते हैं पत्थर नहीं जबकि बर्फ है, ये देखिए किस तरह टूट जा रहे हैं, सब दानेदार बर्फ है। जो हम लोग फ्रिज में बनते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग फ्रिज हो जाते हैं, ये थोड़ा दानेदार बर्फ है। मानो ऐसा लग रहा है कि पेंट जो पत्थर है
पत्थर नहीं है, ये बर्फ ही है, ग्लेशियर है। ठंडी हवा, मेरी बेटी अंदर साथ, ये पहला ब्लॉग है। ये हम लोग यहाँ से लगभग रोहतांग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। कुछ इस तरह का लोकेशन है यहाँ पे, यह शानदार। देखो हम लोग पानी यहाँ पी देंगे आप इस टाइम, है ना। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये सब बर्फ ही है, सब बर्फ है टोटल। आप अगर पैर से मारेंगे, पत्थर से मारेंगे तो टूट जाएगा ये। मनाली टू रोहतांग पास दो पार्ट में बनाया गया है, इसका दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है। अभी तक हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।